विकास कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने के साथ ही उनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हो रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए ऑडिटोरियम की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधीक्षण अभियंता सिडको का अग्रिम आदेश तक वेतन बाधित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय तथा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको तेजी से पूरा कराया जाए। उन्होंने डॉक्टरों को प्रशिक्षित कराने के साथ ही उनकी क्षमता वृद्धि पर भी बल दिया। मंडलायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लगातार प्रयास किए जाएं। टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, कोविड वैक्सीनेशन, हेल्थ डेस्क बोर्ड के इंडिकेटरों पर प्रदर्शित होने वाली सेवाओं को और बेहतर किया जाए। उन्होंने विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि विद्युत उपकेंद्रों के निर्माण में यदि कोई जमीन से संबंधित समस्या आ रही है तो संबंधित जिलाधिकारी से संपर्क कर समस्या का समाधान कराते हुए कार्य को कराएं। उन्होंने आयुष विश्वविद्यालय, सैनिक स्कूल, वेटनरी कॉलेज के प्रस्तावों के बारे में भी जानकारी ली। त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि भ्रमण के दौरान सड़कों के निर्माण कार्य की प्रगति की जांच करते रहें। उन्होंने देवरिया गोरखपुर फोरलेन, भटनी मार्ग, गोरखपुर जेल बाईपास, नौशर कालीसर सड़क निर्माण, खजनी बासगांव मार्ग सहित अन्य मार्गों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिक लगाकर कार्यों को तेजी से पूर्ण किया जाए जिससे आम जन को असुविधा ना हो। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा JEAES प्रभावित गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शीघ्रता से पेयजल योजनाओं का कार्य कराया जाए। उन्होंने ODOP प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, किसान सम्मान निधि, स्मार्ट सिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण, ITMS सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी गोरखपुर के विजयन पांडियन, देवरिया अमित किशोर, महाराजगंज डॉक्टर उज्जवल कुमार, कुशीनगर एस राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर इंद्रजीत सिंह, CDO देवरिया शिव सरलप्पा, GN महाराजगंज, CDO गौरव सिंह सोगरवाल, कुशीनगर CDO अन्नपूर्णा गर्ग सहित मंडल के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अभी तक सब्जी ट्रेन को आया डिजिटल प्रोग्रेस 65% है। थर्ड पार्टी गाड़ी की बात जो कि शासन का सिडको यूपी सिडको सर सिडको बताएं क्यों स्लो है? इसी हफ्ते दे देंगे थर्ड पार्टी से भौतिक प्रगति का नहीं वो सर फंड भी जाना कहाँ है आप? कहाँ है आप? क्या है आप? थर्ड पार्टी ऑडिट से आपकी फिजिकल प्रोग्रेस तो हो जाएगी। जब आप कर रहे थे 65% का कार्य, जब 55 से 65 के केस में थे उसी वक्त थर्ड पार्टी ऑडिट क्यों नहीं कराया? मतलब पहली बार 65% काम कराएंगे, फिर 2 महीने थर्ड पार्टी ऑडिट कराएंगे, फिर आप अगले इंस्टॉलमेंट के आने की प्रतीक्षा करेंगे? आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? 5 साल 6 साल है ये माइक के पास आके बोले इधर काम चल रहा था तो बीच में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम थी सर शुरू में। कब तक कंप्लीट करेंगे? इसको 3 महीने कर लेंगे। अनुबंध के अनुसार से करते हैं, मार्च 20 को होना था। हम मार्च में है तो पैसा का ऊपर अभी जाएगा तो हम खींच लेंगे इसको। काम सर ऑलरेडी 90% पैसा दिया है आपको। 90% पैसा दिया जा चुका है। 80 मिला है। 80% मिला। 14.88 सेंशन है। अच्छा हमें अपना आप है गोरखपुर में सर हमारे पास केवल 7 लाख रुपये तक का। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। होना तो ये चाहिए कि आप एडवांस में काम करें। क्या है आप? सर ऐसी है आपकी सैलरी इमीडिएट दे दीजिए इफेक्ट बंद होती है सर। कुछ नहीं नो एक्सप्लेनेशन को लीजिए सर। 13 से 15 का केवल 7 लाख रुपये आपको उसको भी आप इसे टेंडर करा के कर दीजिए। हम लोगों को पैसा तैयार हो
तीनों और जिलों को मदद कर सकते थे यदि कोई बड़ा प्रोग्राम हो। 2000 का ऑडिटोरियम होता तो हम कितने प्रोग्राम अंदर 6 साल से आप बना हर मीटिंग में रिव्यू होता। इसका फर्निशिंग फर्नीचर कौन खरीदेगा? जब से आप या कॉलेज ऑर्डर कर दिया बैठे रहेंगे। प्रोजेक्ट कंप्लीट करना आपका दायित्व है ना। 90% दिया जा चुका है, 65% मेरा अनुरोध आपसे होगा, इसीलिए आपको बुलाया है। तो डीएम साहब बात कह रहे हैं फर्नीचर वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बन के पड़ा रह जाएगा, एक साल तक आपका फर्नीचर नहीं आएगा। जेम के अपने रूल्स हैं, कृपा करके डीसी साहब से बात करके उस टीम से बात करके जिसको करना है उसको करिए। पैसा क्या हुआ सर? पैसा उन्हें हुआ है, पैसा हम नहीं, पैसा की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं माने हम लोग दे देंगे यार, लेकिन इतनी प्रोग्रेस है उसके हिसाब से माने मान कैसे मांगे सर? हमने सुन लिया ना, नेक्स्ट बताएं। इसी तरह क्या प्रॉब्लम सर? कार प्रॉब्लम